लाफ्टर सैप की टीआरपी हुई डाउन, लेकिन क्यों और क्या है इसके पीछे का रीज़न? सो गाइस, जैसे कि वो पता ही कि जन्म सुबेर का आ रहा है एक शो लाफ्टर सैप, जिसमें ढेर सारे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आई थिंक आपके फेवरेट जरूरी होंगे। कौन फेवरेट कमेंट बता दो। लेकिन गाइस, इस बार थोड़ी सैड न्यूज़ आ रही है, जहाँ पे लाफ्टर सैप की टीआरपी का चार्ट आ चुका है सामने। हर हफ्ते की टीआरपी का चार्ट आता है जब जब एपिसोड टेलीकास्ट होते हैं, तो फाइनली इस हफ्ते का जो पिछला हफ्ता गया है उसका भी टीआरपी चार्ट सामने आ चुका है। जिस टीआरपी चार्ट में हर हफ्ते जो लाफ्टर सैप की टीआरपी 1.9 होती थी, जब से शो स्टार्ट हुआ है हर हफ्ते मैं आपको बता ही रही हूँ कि 1.9 की टीआरपी ही आ रही थी अब तक। लेकिन इस बार की टीआरपी थोड़ी सी गिर चुकी है। इस गिरने के पीछे का भी एक रीज़न है, और कितनी आई है इस हफ्ते की टीआरपी वो भी मैं आपको बताऊं। उससे पहले रीज़न ये है कि लाफ्टर सैप की जो टाइमिंग है और डे है वो चेंज हो चुका है। जैसे को पता है कि लाफ्टर सैप पहले आता था सैटरडे संडे वीकेंड पे, वीकेंड पे लोगों की छुट्टी होती थी, लोग घर पे बैठ के आराम से देखते थे तो बहुत ज़्यादा टीआरपी आती थी। लेकिन अब लाफ्टर सैप की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, लाफ्टर सैप अब 10 बजे आ रहा है, पहले 9:30 बजे आता था। बहुत सारे लोग होते हैं वो जल्दी भी सो जाते हैं, इस वजह से इतनी टीआरपी नहीं आ रही। टीआरपी गिरने के कारण ढेर सारे हैं कि पहले सो वीकेंड पे आता था जिस दिन लोगों की छुट्टी रहती थी, लेकिन अब वीकडेज पे आ रहा है, यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे। कल भी एपिसोड आया था और आज भी एक एपिसोड आने वाला है, वीकडेज हो चुका है वीकेंड से। शायद थी टाइमिंग 10 बजे की हो चुकी है, थोड़ा रात हो जाता है तो बहुत लोग नहीं देख पाते। यही एक मेन रीज़न अकॉर्डिंग टू मी है जिस वजह से थोड़ी टीआरपी लाफ्टर सैप की गिरी है, और इस बार टीआरपी गिर के आ चुकी है 1.6 की टीआरपी। लेकिन इसे भी हम गिरी हुई टीआरपी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, 1.9 से 1.6 वो नहीं है, और डेज पे मतलब वीक डेज वीकेंड से वीकेंड पे इतना हुआ है। कमेंट बताओ क्या रिएक्शन है।